अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं जी? अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि यूट्यूब के जितने हमारे बहन भाई हैं वो सब सदा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। तो आप देख रहे हैं आरजू फूड सीक्रेट। तो आज मैं जो लेके आई हूँ जी वो ड्रिंक है अनार सेब और अंगूर का, क्योंकि ये मौसमी फल हैं तो बहुत ही मज़ेदार सा इनका जूस मैं बनाऊँगी। और जिन लोगों की स्किन ख़राब है, जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, छाइयाँ हैं, तो इससे जो है ना वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और रंग बिल्कुल आपका दूध की तरह गोरा हो जाएगा। तो शर्त ये है कि आप लोगों ने इसको 1 महीना रोज़ाना पीना है। तो चलें फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मशीन में हम डालेंगे अनार। तो फ्रेंड्स अनार के दाने मैंने निकाल लिए थे। आप इसका 1 गिलास रोज़ाना पियेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कैसे स्किन कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो जिन मेरी बहन भाइयों को स्किन का इशू है ना, जिनको छाइयाँ पड़ी हैं या स्किन पे पिंपल वगैरह हैं, तो इस जूस से आप बिल्कुल इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह हम एप्पल भी करेंगे जी। तो माशाल्लाह देखें कितना ही मज़ेदार सा खालिस जूस घर के अंदर बनाएं और एंजॉय करें। ग्रेप्स भी हम डालेंगे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह खालिस जूस हम घर में बना रहे हैं, तो देखें कितना मज़ेदार सा ये है जो है। तो ये देखें फ्रेंड माशाल्लाह। तो फ्रेंड माशाल्लाह देखें बहुत ही मज़ेदार सा ये देखें जी मिक्स फ्रूट जो है जूस हमने निकाला है और डायरेक्ट आपके सामने माशाल्लाह खालिस निकाला है। तो ये 1 गिलास रोज़ाना पीने से यकीन करें आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी जैसे एक अनार है और दूध की तरह वाइट। तो माशाल्लाह इसको रोज़ाना आप लोग पिएं, एंजॉय करें। तो इसी के साथ एक और छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक हमारे भाई हैं जिनको जो है वो जिगर का मसला है, उनके जिगर का ऑपरेट होना है। तो उनका नंबर मैं दे दूँगी आप लोगों को, तो जो उनके साथ उनकी हेल्प करना चाहे। 3 लाख का डॉक्टर ने बताया उनको जी, तो मैंने तो जो मुझसे हो सके वो मैंने उनकी हेल्प कर दी है। तो आप लोगों से जो भी तौफीक है तो आप सब उनकी हेल्प प्लीज़ कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कराता रखे। आप सदा खुश आबाद रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।